भारत और श्रीलंका के बीच तीनों मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज का पहला मैच टाई रहा। हालांकि भारत के लिए यह हार से कम नहीं रहा, क्योंकि एक वक्त से मैच में टीम इंडिया की जीत बिल्कुल भी पक्की दिख रही थी, लेकिन आखिरी लम्हों में भारतीय पारी लड़खड़ा गई और श्रीलंका हार से बच गई। ऐसे में अब सवाल यह है कि दूसरे वनडे में रोहित शर्मा प्लेइंग 11 में बदलाव। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि दूसरे ODI में भारत की कैसी होगी प्लेइंग 11। और इसी वीडियो में हम जानेंगे कि टीम इंडिया के होने वाले दूसरे ODI मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कौन सी रहेगी। तो भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे मैच रविवार 4 अगस्त को खेला जाएगा। कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर, पहले मैच की गलतियों से सबको लेकर हर हाल में दूसरा वनडे जीतना होगा। दूसरे वनडे में ऋषभ पंत को मौका मिलेगा या नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है और ऐसी हो सकती है भारत की प्लेइंग 11। दूसरे वनडे में भी रोहित शर्मा और शुभमन गिल पारी की आगाज कर सकते हैं। वही 3 नंबर पर विराट कोहली और 4 नंबर पर श्रेयस अय्यर खेलते दिख सकते हैं। इसके बाद नंबर 5 पर विकेटकीपर KL राहुल को खेलते दिखेंगे। इसके मतलब यह है कि ऋषभ पंत को एक बार फिर से बेंच पर बिठाना होगा और शायद इस बार दूसरे ODI में शायद ऋषभ पंत को मौका मिल भी सकता है। 6 नंबर पर शिवम दुबे और 7 नंबर पर अक्षर पटेल की खेलने की संभावना है। फिर वॉशिंगटन सुंदर नजर आ सकते हैं और कुलदीप यादव मुख्य स्पिनर और मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह तेज गेंदबाज होंगी। इसका मतलब यह है कि कप्तान रोहित शर्मा बिना किसी बदलाव के ही दूसरे वनडे में उतरेंगे और दूसरे वनडे में टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 ऐसी हो सकती है। रोहित शर्मा कैप्टन रहेंगे, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, विकेट कीपर के दौर पर KL राहुल रहेंगे और शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज हो सकते हैं। और शायद हमारे हिसाब से ऋषभ पंत को टीम में जगह मिल सकती है या नहीं भी मिल सकती। तो ये थी दोस्तों भारत की प्लेइंग 11 श्रीलंका के खिलाफ होने वाले दूसरे ODI मैच के लिए। तो ऐसे ही क्रिकेट के रिलेटेड सभी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना मत।